बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बहुत ही गहरी और सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, वो सुनकर आपकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाएंगे। घटना सुनने से पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, हजारों ऐब है मुझ में ऐ मेरे सतगुरु, नहीं कोई हुनर बेशक, मेरी खामी को तू खूबी में तब्दील कर देना। ये घटना उन दिनों की है जब पुराने जमाने में हम कोई भी पैसों का लेन देन करते थे तो किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं होता था। जैसे कागज पर हिसाब किताब लिखा होता था, वही सालों साल चलता रहता था। तो जो गरीब लोग होते थे वो अपने पैसे साहूकार या किसी अमीर आदमी के पास रखवा देते थे, यह सोचकर कि कुछ सालों बाद जब जरूरत पड़ेगी तो पैसे साहूकार से उठा लेंगे। ऐसे ही एक पंडित ने किसी साहूकार के पास 500 रुपए रखवाए, यह कहकर कि जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो ये पैसे मुझे लौटा देना, ताकि मैं अपनी बेटी की शादी में इन पैसों को लगा सकूं। समय बीतता गया और उस पंडित की बिटिया बड़ी हुई। बिटिया की शादी का समय जैसे ही पास आया तो पंडित जी साहूकार के पास चल दिए। अब पंडित जी ने जैसे ही साहूकार से पैसे मांगे तो वो तो मुकर ही गया और उसने बिना पैसे दिए पंडित को भगा दिया। अब पंडित परेशान हो गया और सोचता रहा कि क्या करूं, कहां जाऊं। आखिर में बहुत परेशान होकर वो राजा के पास पहुंचा और उसने अपनी सारी परेशानी राजा को बताई कि कैसे साहूकार ने उसके पैसे वापस नहीं किए। अब राजा तो फिर राजा था, उसने कहा, कल मुझे उसी रास्ते से निकलना है जहां तुम्हारा साहूकार बैठता है। जब मैं वहां से निकलूं, उसी समय तुम उस साहूकार की दुकान के आगे खड़े हो जाना, तुम्हारी परेशानी वहीं दूर हो जाएगी। अब जब राजा वहां से गुजरा तो उसने पंडित को उसी साहूकार की दुकान के आगे खड़ा देखकर बड़े ही आदर से बुलाया और कहा, गुरुजी आप यहाँ चलिए मेरे साथ, आप ही के पास आ रहा था। अब वहां से निकलने के बाद राजा ने कुछ दूर जाकर पंडित को अपनी गाड़ी से उतार दिया और राजा बोला, अब तुम चिंता मत करना, मैंने तुम्हारी परेशानी दूर कर दी है, शाम तक या कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब उधर साहूकार हैरान कि जिस पंडित के पैसे मैं मार के बैठ गया था वो तो राजा का गुरु निकला, अगर मैंने इस पंडित को पैसे वापस नहीं किए तो ये राजा से शिकायत करके मुझे गांव से ही निकलवा देगा। तो यही सोचकर उस साहूकार ने पंडित को अपने पास बुलवाया और पंडित से कहा कि मैंने अपने बही खातों में बहुत पीछे जाकर देखा तो उसमें 500 लिखे देखे जो तुमने मुझे दिए थे, तो 500 का अब तक का ब्याज हुआ 15,000 रुपए, और क्योंकि तुम्हारी बेटी की शादी है तो 1,000 रुपए मेरी तरफ से भी बिटिया को दे देना, तो कुल मिलाकर मैं तुम्हें 16,500 देता हूँ, खुशी खुशी अपनी बिटिया का कन्यादान करो। वाह मेरे सतगुरु। अब आप खुद ही सोचो, जब एक राजा की मौजूदगी से एक आम इंसान के बिगड़े काम बन गए तो जिन्हें दुनिया बनाने वाला मालिक मिला हुआ है, क्या उनका कोई बाल भी बाका कर पाएगा। इसीलिए बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि बाबा जी हमारे कितने अंग संग हैं। हमें हर पल शुक्रगुजार होना चाहिए कि मालिक के होते हुए हमारे हर काम यूं आसानी से हो जाते हैं, और मुश्किल से मुश्किल काम जब यूं आसानी से हो जाते हैं तो कई बार हम हैरान हो जाते हैं कि जिससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती वो हमारा काम इतनी आसानी से कर जाता है कि आंखों से आंसू रुक नहीं पाते, और हमारे अंदर से यही आवाज आती है कि शुक्र है बाबा जी, शुक्र है। आप अगर आज भी पीछे मुड़कर देखो तो हमें जरूर एहसास होगा कि आज का दिन पिछले दिनों से कितने गुना प्यारा दिन है, और हम शुक्र करते नहीं थकते। ये तो प्यार और विश्वास का रिश्ता है, उस मालिक पर प्यार और विश्वास करके तो देखो, वो कभी भी दुनिया के आगे तुम्हें गिरने नहीं देगा। बस हमें हर पल उस मालिक का शुक्राना करना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच कि आप हमें मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, शेयर फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।